हमारी मिर्ची लाई हुई मिर्ची है, देखेंगे इसमें काफ़ी मिर्ची हमारी दो दिन के लिए हमने रख दिया था ऐसे बंद करके, मिर्ची हमारी सड़ने लगी है। तो फ्रेंड्स मिर्ची ऐसे रखने पर सड़ जाती है, इसके लिए हम कुछ उपाय करेंगे कि मिर्ची हमारी बिल्कुल ही नहीं सड़ेगी ना गलेगी, क्योंकि एक मिर्ची इसमें गलने लगती है तो सभी मिर्ची को गला देती है। इसके लिए सबसे पहले हम मिर्ची को एक प्लेट में निकाल लेंगे, मिर्ची को हम प्लेट में निकाल लिए हैं। अब चलेंगे इसकी हम धुलाई करेंगे। मिर्ची को हमें साफ पानी में वॉश कर लेना है अच्छे से, मिर्ची को हम साफ पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखेंगे मिर्ची को हमने वॉश कर लिया है, मिर्ची हमारी साफ हो गई है। अब इसको हम छांट के अलग रख लेंगे, दूसरी प्लेट में रख लेनी है इस तरह। देखेंगे मिर्ची को छांट कर एक प्लेट पे रख लिया है, इसे हम एक घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख देंगे, जिससे इसका पानी बिल्कुल का जो पानी है धूप में ड्राई हो जाएगा। तो एक घंटे के लिए इसको हम धूप में रख देंगे। देखेंगे एक घंटे के लिए हमने धूप में रख दिया था, मिर्ची जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब इसका जो डंठल है, इसका डंठल हमें एक एक करके निकाल देना है इस तरह। इस तरह इसका डंठल एक एक करके हम निकाल देंगे और इसे एक अलग प्लेट में रख लेंगे। देखेंगे सभी डंठल को हमने अलग कर दिया है, ये बिल्कुल ड्राई हो गई है और देखने में देखें कितनी अच्छी लग रही है, और इसमें एक भी मिर्ची गली हुई नहीं मिलेगी। इसको आप एक हम ले लेंगे पन्नी जो बिल्कुल ड्राई हो, जिसमें पानी ना लगा हुआ हो, सारी मिर्ची को इसी में हम डाल देंगे। इस मिर्ची को हम 15 से 20 दिन हम स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल मिर्ची ख़राब नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, और ये पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।